हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैंगलोर जायका। आज मैं साबूदाना यानी सेगू का मिठा बना रही हूँ। उसे कैसा बनाती देखेंगे। पहले एक बर्तन जिसका फ्लैट बॉटम है ना, उसका तड़ा मोटम मोटा है ना, ताकि दाग ना लगे। इसे इसमें क्या करेंगे, एक आधा ग्लास पानी डालेंगे। डाल ले को, ये सेगू है ना, सेगू के दाने मैं एक तकरीबन 1 घंटा या 2 घंटे भिगाए तो अच्छा नरम हो जाते। इसे हमें बॉल में डाल लेंगे। मैं 1 कप सेगू लूं, ये पानी में डाल रही हूँ। यूजली बकरीद में हमारे यहाँ हर बार ये बनता। इसे अच्छा पकने हो, जरा सॉफ्ट है तक इसे पकाएंगे। एक्चुअली कद्दू या तुरुप लियो, इसमें एक छोटा कद्दू ले को हूँ, ऐसा तुरुप लियो इसमें मिलाने के वास्ते। कद्दू कलर चेंज कर देता है इसे, तब तक अब पकाना होता है, तभी तुरुप लियो। इसमें हमें तुरपा हुआ कद्दू डाल लेंगे। इसे अच्छा मिक्स कर लियो। ये मीडियम आंच पे पकाओ, मैं तो पीछे इसका बॉटम पकड़ लिया तो वापस। इसमें मैं 1/2 लीटर दूध डाल रही हूँ। इसे अच्छा मिक्स कर लो। मीडियम आंच ही ठंड है, ज्यादा बड़ा है तो इसे पकड़ने के चांसेस होते हैं। कद्दू और सेगू जरा सॉफ्ट होना, उसके बाद हम इसमें शक्कर और उसमें खोवा मिलेंगे। देख सकते हैं अच्छा पक रहा है, जरा ट्रांसपेरेंट हो गए हैं सेगू के दाने। अब जर्रा होंदे, इसके बाद हमें शक्कर मिलेंगे। देख सकते हैं जरा सॉफ्ट हो गए, पूरे ट्रांसपेरेंट होले खारे। इसमें हमें अब शक्कर डालेंगे। इसे मैं 3/4 कप शुगर डाल रही हूँ। ये अच्छा डिजोल्व मिक्स हो जाने शक्कर। इसमें लाइट ग्रीन कलर डाल रहे हूँ मैं, ऑप्शनल है, अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं, अच्छा दिखता। मिक्स कर लो अच्छा से। शक्कर अच्छा घुल के देख सकते हैं, ये पकले को भी आ गया अच्छा। इसमें हमें खोवा डालेंगे, अपने चाहे तो मिल्क मेड भी डाल सकते हैं। इसे अच्छा मिक्स कर लो खोवे को, खोवा एंड में डालना। मैं खोवे को मिक्सर जार में बीट कर लियो, इजी मिल जाता करता, नहीं तो तुरुप सकती खोवे को। आप लोग इलायची भी सारी डाल सकते हैं, मैं इलायची का पाउडर डाल रही हूँ। अच्छा मिक्स कर लो उसे। देख सकते हैं ये अच्छा पक रहा है और है ना, इसके जो सेगू दाने हैं देखो फुल ट्रांसपेरेंट हो गए, तो ये पूरा कंप्लीट पक गया। इसे साइड में करके काजू मुनाफा तल को डाल डालेंगे। हमें तड़का पैन में काजू मुनाखा तल लेंगे। जैसे घी डाल रहे हैं, पहले काजू डालेंगे। मुनक्का डाल लेंगे। इसे हमें मिट्टी के बॉल में डाल लेंगे।
हमारा मीठा रेडी है, हमें प्लेट कर लेंगे। अब बहुत टेस्टी आता है मीठा, इसे ठंडा करके खाए तो फ्रिज में रखो और मजे का आता है। हमें प्लेट कर लेंगे, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये पसंद आएगा। सेगू और कद्दू का मीठा तैयार है। वैसे बादाम गार्निश कर लियो और चांदी का वरख लगायो। आप लोग हमें जरूर ट्राई करना। मैं कोशिश करती हूँ कि हर एक की रिक्वेस्ट जो बोलती बनाने की कोशिश करती हूँ मैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया जो आप लोग इतना अच्छा लाइक कमेंट शेयर करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग बैंगलोर जायका।